भारी बारिश और आसपास के राज्यों में आई बाढ़ के बाद दिल्ली भी बाढ़ से कितना प्रभावित था, ये आपको हमने तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश की। लेकिन अब जो दिल्ली में बाढ़ का जलस्तर है, जो यमुना नदी का जलस्तर है, वो धीरे धीरे कम होते दिखाई दे रहा है। और इस बीच हो सकता है जल्द से जल्द जो तटीय इलाके हैं जहाँ पानी घुसा हुआ है, वहां पर लोगों को जल्दी राहत मिल सकती है। फिलहाल इस वक्त हम दिल्ली के शांतिवन इलाके में मौजूद हैं और शांतिवन इलाका की ये जो सड़क है ये लाल किले की ओर जाती है और ये सड़क लाल किले का जो मेन रोड है वो कनेक्ट करती है। फिलहाल ये जो सड़क है ये पूरी तरह से जलमग्न है। धीरे धीरे कर जो पानी का जलस्तर है वो कम हो रहा है और पीछे की ओर देखिए किस तरह से जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर अभी भी मस्तीखोरी करते नजर आ रहे हैं। अभी भी चाहे बाढ़ का खतरा कितना भी टला हो या फिर जलस्तर कितना भी कम हुआ हो, लेकिन खतरा उतना ही है क्योंकि जो मैनहोल्स होते हैं सड़कों में वो अभी भी पानी के जो जल भरा हुआ है उसके वजह से नहीं दिख सकते। तो लोग अभी भी जितना ज़्यादा हो सके वो बचने की कोशिश करें। देखिए आपकी ये जो चौराहे का इलाका है, कल की बात करें तो ये चौराहा पूरी तरह से जलमग्न था और यहाँ पर चलने की भी परिस्थितियाँ नहीं थी। पर चूंकि पानी में जो गिरावट है वो देखने को मिली है, यमुना नदी का जो जलस्तर है वो 207.38 मीटर सुबह पाया गया है और ऐसे में जब जलस्तर कम हुआ तो सड़कों पर भी देखिए किस तरह से जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो फिर से शुरू हुई। पर अभी भी जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात है ताकि कोई अनहोनी ना हो सके, इसका खासा ध्यान देते हुए लगातार पुलिस के जवान तैनात हैं, लोगों पर नज़र रखे हुए हैं। और जलस्तर के कम होने के बाद ये तय है कि जो बीमारियां हैं वो भी फैलेगी, चाहे डेंगू की बात करें चाहे जॉइंटिश की बात करें, तो तमाम बीमारियां हैं जो पानी से उत्पन्न होती है वो फैलेगी। उन बीमारियों के लिए दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है ये देखने की बात है। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ सार्थक पांडे, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।